हेलो स्टूडेंट, ये सी फाइनल की बॉटनी की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन, जिसमें आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और जो मॉडल दिए गए हैं और इनका फंक्शन जो भी इम्पोर्टेंस है इसका उसके बारे में बताया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन जो है ये शब्द सबसे पहले दिया था नांगेली और क्रेमर ने, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन कई नामों से जाना जाता है, लेकिन सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन नाम नांगेली और क्रेमर ने दिया 1855 में, ठीक है। ये दिया है नांगेली एंड क्रेमर 1855 में, और इसको प्लाज्मा लेमा नाम दिया फ्लोवर ने। ठीक है, और जो नए वैज्ञानिक हैं वो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, लेकिन शुरुआत हुई सेल मेम्ब्रेन से। तो सेल मेम्ब्रेन की जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है और डायनामिक इसका स्ट्रक्चर है। ये सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल की रक्षा करता है। तो मेन कैरेक्टर हम देखते हैं क्या है, फर्स्ट हो गया सेलेक्टिवली परमिएबल, सेकेंड है लिविंग मेम्ब्रेन, थर्ड है डायनामिक स्ट्रक्चर, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि ये जो भी अणु होता है उसको सेलेक्ट करता है कि ये अंदर आने लायक है या नहीं, उसकी पहचान करता है, उसके बाद वो अंदर आता है, ठीक है। और इसमें ये पतली लेयर होती है, सेल को प्रोटेक्ट करता है। लिविंग मेम्ब्रेन है, डायनामिक स्ट्रक्चर है और सेल प्रोटेक्शन का काम करता है सेल मेम्ब्रेन। इसका हम देखेंगे स्ट्रक्चर, इसमें कई प्रकार के मॉडल दिए गए। फर्स्ट दिया गया सैंडविच मॉडल जो दिया डेनियली और डेविसन ने, सेकंड दिया सेल मेम्ब्रेन जो रॉबर्टसन ने दिया, और थर्ड था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें से सैंडविच मॉडल और सेल मेम्ब्रेन को नहीं माना गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को मान्यता मिली। इनको क्यों नहीं माना गया या ये क्या था इसको हम देखते हैं। फर्स्ट है सैंडविच मॉडल, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, बाई लेयर रिपीट होती है, ऊपर प्रोटीन होता है।
ठीक है, ये है प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये दोनों और प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, ये पूरा होता है बाइलेयर लिपिड। ये था सैंडविच मॉडल। इसमें उन्होंने क्या बताया कि जिस तरह से सैंडविच होता है, ऊपर नीचे ब्रेड होती है, सब सैंडविच बारे में जानते हैं, और बीच में मसाला होता है, उसी तरह से ऊपर और नीचे यहाँ पर प्रोटीन का मॉलिक्यूल है और बीच में बाइलेयर लिपिड है। ठीक है, तो इस तरह से ये सैंडविच के समान हो जाता है, इस कारण इसको नाम दिया गया सैंडविच मॉडल। और इसमें क्या होता है, ये है इसका हेड और ये है टेल। इसमें दोनों तरफ से प्रोटीन लिपिड को घेरे होता है और इसका जो हेड होता है वो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसके करीब होता है। इसमें जो हेड है, हेड इसका हाइड्रोफोबिक होता है और उसके अपोजिट होती है टेल। और जो टेल होती है ये वंडर वाल बल्स बल्स द्वारा बनी होती है, बॉन्ड द्वारा, वंडर वाल्स बॉन्ड। ये आपस में वंडर वाल्स बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है लिपिड। लेकिन इस मॉडल को नहीं माना, इसको मान्यता नहीं मिली, क्योंकि ये जिस तरह से इसमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिखा रहा था कि ये लिपिड को घेरे हुआ है, इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए इसको अमान्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद सेकेंड आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इकाई कला सिद्धांत, इसको दिया रॉबर्टसन ने। इसको कुछ इस तरह से इन्होंने सिद्ध किया, यूनिट मेम्ब्रेन और सैंडविच मॉडल ये दोनों में थोड़ा सा समानता थी। यहाँ इसका हेड है और यहाँ पर इसका हो जाता है टेल। ठीक है, इस तरह से इन्होंने बताया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के बारे में। ये इसका हेड है
और ये है टेल। अब हेड और टेल में अंतर होता है, हेड होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, और टेल होता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोफिलिक जो होता है वो कहलाता है जल स्नेही, जल से स्नेह करने वाला, और हाइड्रोफोबिक होता है वो जल से स्नेह नहीं करता है, वो जल से दूरी बनाकर रखता है। इसमें जो ये किनारे है इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोटीन। इसकी साइज होती है 20 to 30 आर्मस्ट्रांग, और ये जो है बाइलिपिड लेयर, ये होता है फास्फोलिपिड, और ये भी होता है एक्सटेंडेड प्रोटीन। ये भी 20 to 30 आर्मस्ट्रांग होता है। ठीक है, ये इसके अंदर क्या होता है, ये 35 to 40 इतने इसकी साइज होती है। तो इसमें भी इन्होंने क्या बताया रॉबर्टसन ने कि सेल के अंदर कई मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन को इन्होंने जितनी भी मेम्ब्रेन होती है इन्होंने बताया कि कोई भी मेम्ब्रेन असमान नहीं होती है, सब एक समान की होती है, और इस कारण से एक समान होने के कारण इन्होंने इसको नाम दे दिया यूनिट मेम्ब्रेन, मतलब सब पूरी एक सी है ये मेम्ब्रेन। तो रॉबर्टसन ने लेकिन इसके बारे में ये नहीं बताया, जो स्ट्रक्चर उन्होंने दिया उसको ये सिद्ध नहीं कर पाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह की ही होती है। ठीक है, और ना इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी को सिद्ध किया, इलास्टिसिटी इस बीच में पाई जाती है तो भी सिद्ध नहीं कर पाए, और ना ही प्रोटीन और फास्फोलिपिड को कर पाए सिद्ध कि किस तरह से ये उसको घेरे होती है। इतना इन्होंने बताया कि जिस तरह से सैंडविच मॉडल में ट्राइलेयर था, मतलब फास्फोलिपिड की दो लेयर थी और प्रोटीन था, उसी प्रकार से इन्होंने इसको बताया कि ये संरचना उससे समानता रखती है, लेकिन ये इसको किसी भी तरह से सिद्ध नहीं कर पाए। जितने भी कैरेक्टर होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उसको ये सिद्ध किसी भी तरह नहीं कर पाए, और ना ही उन्होंने इसको ये बताया कि जो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, जो अणुओं की पहचान करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर उसको पहुंचाती है, तो उसको भी इसमें उन्होंने नहीं बताया कि किस तरह से पहचान करेगी, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो पहचान करके उसको अंदर प्रवेश करने लगेगा। इस कारण से इस मॉडल को भी नहीं माना गया। ठीक है, मतलब सैंडविच मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इन दोनों मॉडल को अमान्य घोषित किया गया। इसके बाद थर्ड मॉडल आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जिस मॉडल को मान्यता मिली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, इसको दिया सिंगर और निकोलसन ने 1972, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रोटीन ऊपर रहती है और बीच में फास्फोलिपिड होता है, और किस तरह से प्रोटीन उसको घेरे होती है, कहां कहां प्रोटीन होता है, इसमें उन्होंने पूरी तरह से देखिए उसकी इलास्टिसिटी बताई, सेलेक्टिवली परमिएबल के बारे में बताया, इसलिए इस सिद्धांत को मान्यता मिली। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह का है।
इसमें कई प्रकार के प्रोटीन लगे होते हैं जिनको अलग अलग नाम दिया गया। कुछ इस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। ये मॉडल क्या करता है, इसमें जो फॉस्फोलिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये क्या करता है, तरलता प्रदान करता है, मतलब एक फ्लूइडिटी प्रदान करता है, तरलता लिक्विड मीडियम देता है। और इसके अंदर प्रोटीन जो होता है, ये प्रोटीन है जिस प्रकार मोज़ेक होता है उसी तरह से प्रोटीन भी मोज़ेक की तरह उसमें बीच में लगा होता है, ठीक है। इस कारण इसको नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्योंकि उसमें तरलता रहती है, फ्लूइडिटी रहती है और प्रोटीन जो होता है वो मोज़ेक के समान लगा होता है, इस रीजन से नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इसमें हम ये देखेंगे जो एक किनारे प्रोटीन रहता है, ये प्रोटीन कहलाता है पेरिफेरल प्रोटीन। और जो बीच में रहता है वो कहलाता है इंटीग्रल प्रोटीन। और ये प्रोटीन ऐसा है जो ऊपर से नीचे तक पूरे में लगा हुआ है। ये प्रोटीन कौन सा कहलाएगा, ट्रांसपेरिफेरल प्रोटीन। ये है ट्रांसपेरिफेरल प्रोटीन, जो ऊपर से नीचे तक होता है वो कहलाता है ट्रांसपेरिफेरल प्रोटीन, जो किनारे साइड होता है वो कहलाता है पेरिफेरल प्रोटीन, पर ये प्रोटीन और जो बीच में होता है वो कहलाता है इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। अब इसके टाइप्स में देखेंगे, फर्स्ट है पेरिफेरल प्रोटीन, ये टाइप हो गया इसका। टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फर्स्ट है पेरिफेरल प्रोटीन, सेकेंड है इंटीग्रल प्रोटीन और थर्ड है ट्रांसपेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, फर्स्ट हम जानेंगे पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में। तो पेरिफेरल प्रोटीन जो होता है, जैसा आप देख रहे हैं चित्र में, ये किनारे साइड होता है, ठीक है,
मतलब वो कहीं भी बीच में नहीं रहता है, ना ऊपर से नीचे आता है, सिर्फ किनारे साइड होता है, वो कहलाता है पेरिफेरल बॉडी। मतलब इसको बोल सकते हैं कि ये आउटर साइड में होता है। ठीक, आउटर साइड में होने के कारण इसको आसानी से निकाला जा सकता है, इसलिए इसमें और इंटीग्रल प्रोटीन में थोड़ा अंतर होता है। ठीक है ना, तो पेरिफेरल प्रोटीन क्या हो गया, एक तो आउटर साइड में होता है और सेकंड है इसको आसानी से निकाला जा सकता है, और ये प्रोटीन जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मतलब पानी में घुलनशील होते हैं। कौन से? पेरिफेरल प्रोटीन पानी में घुलनशील होता है। फर्स्ट हो गया इसका आउटर में स्थित होता है, आउटर साइड में होता है, सेकंड आसानी से इसको निकाला जा सकता है और वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब सेकंड आ जाता है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन में है क्योंकि ये अंदर होता है तो इसको निकालना मुश्किल होता है, ये निकल नहीं पाता इससे, इसलिए ये कह रहा है कि ये इनर साइड में स्थित होता है और इसको आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। और ये था वाटर सॉल्युबल था, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, अब घुलनशील है और ये घुलनशील है, तो इंटीग्रल प्रोटीन क्या हो गया, अंदर साइड पाया जाता है, इसको आसानी से निकाला नहीं जा सकता है, बल्कि निकाला ही नहीं जा सकता है, और पानी में अघुलनशील है। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है ट्रांसपेरिफेरल प्रोटीन। ट्रांसपेरिफेरल प्रोटीन ऐसा प्रोटीन होता है जो दोनों साइड में होता है, मतलब आउटर साइड और इनर साइड दोनों में पूरे लंबाई में स्थित होता है, वो कहलाता है ट्रांसपेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, अब इसमें सेकेंड नंबर पे होता है लिपिड। लिपिड जो पाया जाता है वो किस तरह का होता है, ये बाइलेयर होता है। बाइलेयर हमने देखा जितने भी मॉडल थे सब में लिपिड बाइलेयर ही था। ठीक है, हेड और टेल में डिवाइड होता है। इसका हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब जल स्नेही होता है, और टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, लिपिड जो है बाइलेयर लिपिड होता है, हेड हाइड्रोफिलिक होता है और टेल हाइड्रोफोबिक होता है। ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि हेड इसका कैसा होता है, तो हेड बताना है हाइड्रोफिलिक होता है और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन कई आ जाते हैं एग्जाम में, तो अभी आपको यहाँ पूरा ही आंसर बताया जा रहा है फिर क्वेश्चन का किस तरह से लिखना है। तो एक बात इसमें जानने वाली है, क्योंकि इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों कंडीशन होती है, इसके कारण ये कहलाता है एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों कंडीशन होने के कारण उसको कहते हैं एम्फीपैथिक। ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एम्फीपैथिक क्या है, तो एम्फीपैथिक इसीलिए है क्योंकि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों कंडीशन इसमें पाई जाती है। इसके बाद एक बात और है कि जो लिपिड होता है इसमें ट्रांजिशन कंडीशन पाई जाती है, और जो प्रोटीन होता है ये जो प्रोटीन लगे हुए हैं एक कंडीशन होती है मूवमेंट जो होता है वो फ्लिप फ्लॉप पे लगता है। ठीक है, जैसे ये सिरा है, ये सिरा इधर आ जाए, इसका सिरा यहां चला जाए, ये कहलाती है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये इसमें होता है लेकिन प्रोटीन में नहीं होता है। मान लीजिए इस प्रोटीन को हम यहां खिसकाना चाहें कि यहां तो खिसक जाएगा, लेकिन इस प्रोटीन को हम इसकी जगह लगाना चाहें, इसको यहां लगाना चाहें, तब ये नहीं लग सकता। तो मतलब प्रोटीन में फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। अब इसके बाद आ जाता है इसका केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में ये प्रोटीन का बना होता है, ये हमने देखा
लिपिड पाया जाता है और थर्ड है कार्बोहाइड्रेट। इसकी मात्रा कितनी होती है ये हम देखेंगे। केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन, ठीक है। इसमें पाया जाता है प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। फ्लूइड प्रोजेक्ट मॉडल में एक बात और समझने लायक है कि जो प्रोटीन है वो क्या है, लिपिड में तैरते हुए कंडीशन में पाए जाते हैं। जिस तरह से अगर मान पानी में किसी बर्तन में पानी और पानी में बर्फ के कुछ पीस डाल दे तो जिस तरह से पानी में बर्फ के पीस तैरने लगते हैं उसी तरह से क्या होता है, लिपिड में प्रोटीन भी तैरने के समान ही होता है। इसमें यह कहा जाता है कि लिपिड के समुद्र में प्रोटीन के तैरते हुए हिमशैल। लिपिड का समुद्र क्या हो गया, लिपिड हो गया, ये प्रोटीन हो गया, तो लिपिड एक समुद्र के समान हो गया, मतलब बहुत सारे लिपिड है इसमें प्रोटीन के रूप में है, ये प्रोटीन भोजन के रूप में लगा हुआ है, तो प्रोटीन उसमें तैरता हुआ है लिपिड के समुद्र में। अब केमिकल कंपोजिशन में हम देखेंगे कि प्रोटीन होता है 60-70%, ठीक है। लिपिड होता 30-40%, कार्बोहाइड्रेट होता है 1-5%, प्रोटीन और लिपिड इनका हमने देख लिया कि किस तरह से क्या होता है। अब हमें देखना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट देखने में कम मात्रा में पाया जाता है कि 1-5% तक ही कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है ये हमें जानना है। ये क्या करता है, सेल टू सेल रिकॉग्नाइज करता है, मतलब सेल से सेल की पहचान करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी इसमें दो तरह का पाया जाता है, एक पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरा है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन और सेकंड है ग्लाइकोलिपिड। कार्बोहाइड्रेट टू टाइप्स का है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। इसका काम क्या है, सेल से सेल की पहचान करना, मतलब मान लीजिए कोई अगर दूसरी सेल आ जाती है तो इसको ये पहचान लेता है कि ये सेल इसमें आने लायक नहीं है, ये सेल दूसरी है हमारी नहीं है, इसलिए इसको फिर अंदर आने ही नहीं देता है, उसको बाहर रिजेक्ट कर देता है। मान लीजिए कोई ये सरफेस हो गई, अब यहाँ पर कोई सेल आ रही है, जो यहाँ पर जो है ये रिसेप्टर होता है, ठीक है, अब ये आ रहा है लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहा है, इसको पहचानने का पहले कि ये अंदर प्रवेश करने लायक है या नहीं, ये किसी कोई बाहरी तो नहीं है, अगर ये दूसरा होगा उसको अंदर प्रवेश नहीं करने देगा, और जब पहचान लेगा कि हाँ ये उसकी सेल है तो उसको अंदर आने देता है। तो कहते हैं कि सेल टू सेल रिकॉग्निशन, मतलब सेल से सेल की पहचान का काम कार्बोहाइड्रेट द्वारा होता है, ठीक है। कितना काम होता है कार्बोहाइड्रेट का। अब इसके फंक्शन पर आते हैं कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या कार्य है। सबसे पहले तो इसको हम जानेंगे कि सिलेक्टिव और परमियेबल है, मतलब ये परमियेबल है, जो अणु ये पहचान कर लेती है, सिलेक्ट कर लेती है कि ये इसमें प्रवेश करने लायक है या अगर है तो प्रवेश करने देती है, नहीं तो बाहर रिजेक्ट कर देती है। इसलिए पहला तो हो गया सिलेक्टिव और परमियेबल, ठीक है, ये अणुओं की पहचान करती है। उसके बाद जाता है ट्रांसपोर्ट का ये काम करती है,
ट्रांसपोर्ट भी दो तरह से करती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हमेशा निम्न से उच्च सांद्रता की होता है, ठीक है, लो टू हाई कंसेंट्रेशन की होता है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है इसमें एनर्जी नहीं लगती है क्योंकि ये हाई टू लो कंसेंट्रेशन के बीच हो रहा है, मतलब उच्च से निम्न सांद्रता की ओर हो रहा है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। सक्रिय जो हो रहा है सक्रिय ट्रांसपोर्ट वो निम्न से उच्च की ओर हो रहा है और निष्क्रिय हो रहा है उच्च से निम्न की ओर, ये दोनों अपोजिट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाता है इक्सोसाइटोसिस। ये दो तरह का हो गया, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो था वो टू टाइप्स हो गया, इक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस। तो इक्सोसाइटोसिस जो होता है वो सेल से पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। इक्सोसाइटोसिस क्या काम करता है, सेल से पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, और इंडोसाइटोसिस करता है पदार्थों को सेल के अंदर लाता है। तो ये दोनों डिफरेंस हो गए, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एक सेल को बाहर निकाल रहा है, पदार्थ को बाहर निकाल रहा है, दूसरा सेल को पदार्थ को अंदर ला रहा है, ठीक है। अब इंडोसाइटोसिस भी जो है वो टू टाइप्स की हो जाती है। तो इंडोसाइटोसिस कौन से टू टाइप्स के हैं इसको हम देखेंगे। उत्कर्ष हो जाता है पिनोसाइटोसिस और सेकेंड है फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस जो होता है ये सेल के अंदर तरल पदार्थ को ग्रहण करता है, मतलब जो लिक्विड ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये सेल के अंदर ग्रहण करता है, और फैगोसाइटोसिस जो होते हैं वो ठोस पदार्थ को ग्रहण करता है, ठीक है। पिनोसाइटोसिस तरल पदार्थ को ग्रहण करता है और फैगोसाइटोसिस जो होता है वो ठोस पदार्थ को ग्रहण करता है, इसलिए इसको बोल सकते हैं सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग और इसको बोलते हैं सेल ईटिंग, ठीक है। पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस इन दोनों में यही अंतर है, पिनोसाइटोसिस है जो वो लिक्विड पदार्थ को ग्रहण करता है और फैगोसाइटोसिस जो है ये ठोस पदार्थ को कर रहा है ग्रहण, ठीक है ना। ये लिक्विड को कर रहा है और ये सॉलिड को कर रहा है। ये अंतर हो गया, इंडोसाइटोसिस टू टाइप्स का हो गया, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस, ठीक है। इसके बाद आता है कैटालिसिस। ये सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैटालिसिस के रूप में भी काम करती है। तो इस तरह से इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इंट्रोडक्शन हो गया और मॉडल हो गया स्ट्रक्चर उसका और फंक्शन इतना आज हमने देखा, जिसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला मॉडल है वो यही है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सिंगर और निकोलसन ने दिया। इसमें उन्होंने सब कुछ सिद्ध किया और इसको माना गया। जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है या तो फुल क्वेश्चन आएगा या फिर एक यही मॉडल पूछा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, और या फुल क्वेश्चन आएगा तो सेल मेम्ब्रेन क्या है या इसका स्ट्रक्चर सहित वर्णन कीजिए, तो उसमें आपको पूरा देना पड़ेगा। और अगर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आता है तो ये आपके सामने है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगले दिन फिर उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।